वंदे पुरुषोत्तम इष्ट गुरु पुरुषोत्तम प्रतीक गुरु वंशधर रेत शरीर में सुप्त रह के जीवंत रहते निरंतर। श्री श्री ठाकुर जी के बड़े बेटे श्री श्री बड़दा जिन्हें हम लोग प्यार से श्री श्री पितृदेव बोलते हैं, वो प्रधान आचार्य हुए। एक दिन उन्होंने रेवतीदा से, जो एक भक्त हुए ठाकुर जी से, प्रश्न किया कि हम लोग नाम ध्यान इत्यादि किस लिए करते हैं। रेवतीदा ने कहा कि अपने अंतर जगत में उनको बोध करने के लिए, अपने चरित्र में उनको प्रस्फुटित करने के लिए। श्री श्री पितृदेव तब बोले, अपने को तैयार करने के लिए पहले स्वयं होना होगा। हम लोग तो ठाकुर का संग किए हैं, हम लोग कहते हैं ठाकुर ईश्वर हैं, हम लोगों को तो ईश्वर लाभ हो ही गया है, ईश्वर दया कर हम लोगों को लाभ करा दिए हैं। हम लोग कितना भर तैयार हुए हैं यही देखने की बात है, कैसे समझा जाएगा कि हम लोग तैयार हुए हैं। तृणादीप सुनी चेना तरोरिव सही सड़ुना अमानिना मान देयम कीर्तन नियह सदा हरि। जो अपने आप को तिनका से भी छोटा समझता है, जो वृक्ष की तरह सहिष्णु सहनशील है, अमानी को भी मान देता है, जो प्रतिष्ठा पाने योग्य नहीं है उसको भी प्रतिष्ठा देता है, वही भगवान का भक्त है, नित्य दास है। दंभ दर्प अभिमान, जो कोई दंभ दर्प अर्थ का दर्प हो, मैं एक बड़ा कर्मी हूँ, यह दर्प ही है, यह सब रहने से उनके पथ पर आगे बढ़ना मुश्किल है। जितना ही उनकी ओर अग्रसर होता हूँ उतना लगता है और चाहिए और चाहिए। उनके लिए प्राण छटपट करता रहता है, व्याकुलता आती है, व्याकुलता ही है असली चीज। मेरा अपना बोध यही है, मैं उनकी चरण धूलि का कण होकर रहूं। जय गुरु। सातवती अगस्त 2019 पेज संख्या 22। जय गुरु।